फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पेंसिल पेन कवर बनाना सिखाऊंगी। जब हम पर्स में कुछ भी सामान रखते हैं तो हमारा सामान सारा मिक्स हो जाता है। जैसे ये पर्स है, इसमें मेरा सारा सामान है, क्योंकि ये पेन वगैरह सब मिक्स हो जाते हैं। ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है कहाँ पेन है। तो मैं आज आपको इस कपड़े से पेन और पेंसिल कवर बनाना सिखाऊंगी। आपको ये दो पीस लेने हैं। इसकी लंबाई बीस इंच और चौड़ाई 4.5 इंच। तो इसके आपको दो पीस लेने हैं। और मैंने दोनों कपड़े के नाप से पेपर पेस्टिंग काट के और इसको प्रेस से चिपका दिया है। तो दोनों सेम नाप के पेपर पेस्टिंग काट के आप प्रेस कर लीजिए। प्रेस करके ये कपड़े में चिपक जाएगा। अब मैंने ये दोनों को मिला के ऐसे पिन लगा दी है, इधर भी और इधर भी। दोनों पीस को ऐसे जोड़ के पेपर पेस्टिंग अंदर की साइड रखेंगे और इसको ऐसे मिलाकर ऐसे पिन लगा देंगे, इधर और इधर भी। इसको मिला के ऐसे पिन लगा देंगे। ये आगे का साइड है और ये पीछे का। पीछे में आपको ये दोनों का सेंटर लेके, बीच सेंटर लेके और यहाँ से 1.5 इंच पे ये निशान लगाना है। ये 1.5 और ये 4.5 का 2.25। तो ये 20 सेंटर लेना है यहाँ पे और ऐसा ही निशान आपको यहाँ पे भी लगाना है। ये 20 सेंटर लेके और यहाँ से 1.5 इंच। ये आपका 20 सेंटर आ गया। अब मैंने ये दो मैग्नेट बटन ले रखे हैं छोटे साइज के। अब हम इसको लगाएंगे। तो ये जो पीछे का होता है लगाने का, इससे आप निशान लगा के ऐसे 20 सेंटर में रख के और ऐसे निशान लगाइए, ऐसे और ऐसे। और सिंगल पीस लेकर इसमें आप कट का निशान लगाएंगे। इसको यहाँ पे लगा के एक पीस पकड़ के एक नीचे रखना है और इसको लगा के ऐसे ही आ जाएगा। अब मेरे पास ये दो रबर शीट के टुकड़े हैं। आप इसको पीछे लगा सकते हैं ऐसे करके। इससे थोड़ा मजबूत हो जाएगा। और इसको पीछे लगा के इसको आप ऐसे कर लीजिए। आपका बटन लग गया, मैग्नेट बटन, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें लगाना है। इसका भी 20 सेंटर लेके और ऐसे निशान लगाना है कट लगाने के लिए।
ये आपके दो बटन लग गए, एक ही वाला और एक ही वाला। अब आप मैं आपको सिलना बताऊंगी। अब ये जो पिन लगा रखी है इसको निकाल देंगे। और इसको आप उल्टा करके दोनों को सीधी साइड लेना है और ऐसे लगा के फिर आप पिन लगा दो जिससे ये हिलेगा नहीं। अब मैंने ये दोनों साइड पिन लगा दिए। अब आप सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ बीच से शुरू कर लिए सिलाई लगाना। अभी पूरी सिलाई लगा के यहाँ से यहाँ और ये पूरा ऐसे लगा के, और ये आपको यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ से हम इसको पलटेंगे। इसको ऐसे करके ऐसे पलटना है। अब मैंने इसको ये पलट दिया, सीधा कर दिया। अभी जो सिलाई है खुली साइड, इसको हम बंद कर देंगे। इसको ऐसे लेकर ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पे सिलाई मार दी है। उसके बाद अब अच्छे से प्रेस कर दें। उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से ढाई इंच का निशान लगा के इसको बिल्कुल ऐसे निशान में रख के इस पे आप पिन लगा दें। ये बटन ऐसे आ जाएगा। अब आपको ऐसे सिलाई लगानी है। यहाँ से शुरू कीजिए सिलाई लगाना।
एक तरह की सिलाई लगानी है। और ये पूरा ऊपर तक लेनी है सिलाई। फिर ऐसा करके कि आपका पेन पेंसिल कवर तैयार हो गया है। ऐसे आ जाएगा। अब आप इसमें पेन रख सकते हैं। पेन पेंसिल कवर बनके तैयार हो गया।